इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अरे बहुत काम है भाई, आखिर भगवान ने मुझे बनाया है क्यों, यही सब तरते रहने के लिए? अरे भाई भगवान तुझे तो क्या किसी को नहीं बना सकता। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तू फिर की ना ले यार। अच्छा तो बता, अगर भगवान ने तुझे या मुझे बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? वही समूचा पदार्थ है और वह अत्यंत निबद्ध, वह किससे बनता है तो अपने अस्तित्व से बना हुआ है। हर पदार्थ अपने अपने अस्तित्व से है, कोई उसको बनाने वाला नहीं है। अपने टेढ़े सवालों के सीधे जवाब, धर्म के मर्म को समझें। ग्रंथराज प्रवचन सार जी की अनूठी वैज्ञानिक एवं सहज व्याख्या सुनें और उसके बाद परीक्षा दें। मथुरा के आसपास का ये एरिया है, समझ आ रहा है? और यहाँ पर ब्रज भाषा का पुट भी बहुत रहता है, इसलिए आप देखोगे कि जो मथुरा के आसपास के पंडित लोग हुए, विद्वान लोग हुए, वो अपनी भाषा में कुछ हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आज ब्रज भाषा के रूप में जानी जाती है, समझ आ रहा है? आगरा के पंडित जी हुए, पंडित बनारसीदास, उन्होंने एक अपना अर्ध कथानक नाम से पूरा अपना एक उन्होंने आत्म परिचय लिखा है, तो उनकी उस किताब को ब्रज भाषा शैली का नाम दिया गया, वो ब्रज भाषा कहलाती, समझ आ रहा है? तो आपको भी यही नहीं मालूम कि हमारी अपनी भाषा कौन सी है, और फिर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बोल दिया करो मेरी भाषा तो प्राकृत भाषा है। हाँ, प्राकृत का मतलब होता है जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार जो हम बोल रहे हैं उसका नाम है प्राकृत। जो अपने अपने प्रांत की भाषा है, जो हमारे अपने एरिया में बोली जाती है, वो हमारी हर भाषा क्या कहलाती है? प्राकृत भाषा कहलाती है। जब आप इस तरीके से अपने मन में ले आओगे कि हमारी भाषा प्राकृत है, समझ आ रहा है, तो आपको ये भी पता पड़ेगा कि भगवान की भाषा में भी सब प्रकार की भाषाएं जुड़ी हुई हैं और प्राकृत भाषा में प्रांतीय सब भाषाएं जुड़ जाती हैं, और जहां ये प्राकृत भाषा आ जाती है वहां हम अपने आप तीर्थंकरों की वाणी से अपने आप को जोड़ ही लेते हैं। ये प्राकृत भाषा कहने से ही हमारे अंदर एक भाव भी पैदा हो जाता है कि देखो हम बिल्कुल सहज हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जहां जैसी भाषा चलती है वैसी भाषा का हम प्रयोग कर लेते हैं, और भाषा से ही पता पड़ जाता है कि ये लोग कहाँ के हैं। क्या समझ आ रहा है? जो लोग हमेशा अपने ही क्षेत्र में पले बड़े होते हैं और जिनके ऊपर कहीं किसी दूसरे क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, तो उनकी भाषा बिल्कुल एक जैसी बन जाती है। जिन लोगों ने अपना बहुत सारा समय चाहे किसी भी क्षेत्र में निकाला हो, वह क्षेत्र की जो एक टोन होती है और उसकी जो भाषा होती है और उसके बोलने का जो लहजा होता है, उसको देख करके आप अपने आप सुन करके आप अपने आप समझ लोगे कि हाँ भाई ये इस एरिया के लोग हैं, समझ आ रहा है? चंबल का एक एरिया है और उस एरिया के लोगों में भी कुछ भाषा में ऐसा पुट आपको सुनने को मिलेगा कि जब उन्हें कहीं कुछ थोड़ा सा कहना होता है तो वो कहते हैं भैया नेक हमारी भी सुन लो वो थोड़ा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इधर इधर भी बोलते हैं, मेरठ में नहीं बोलते, तो इधर ही चलता है, नेक हमारी तरफ भी ध्यान दो, हम तो वहीं थे, आए वहीं थे कहां से आए हो ऐसी भाषा को सुनकर के आपको अपने आप पता पड़ने लग जाएगा कि ये कौन से एरिया के, ये चंबल का एरिया है जहां इटावा, भिंड, सिरसागंज, मैनपुरी, ये सब जो है इस तरीके का एक भाषा का प्रभाव वहां पर चला करता है, समझ आ रहा है? और सब लोगों के
लिए देखो, भाषा के ज्ञान से बहुत ज्ञान बढ़ता है। अब ये मेरठ वालों को नहीं पता कि ये मेरठ शब्द कैसे बना है, समझ आ रहा है? ये जो मेरठ शब्द है ये एक तरीके से अपने मूल रूप को छोड़कर के ये अपभ्रंश भाषा में या प्राकृत भाषा में परिवर्तित होकर के मेरठ शब्द बना है। ये इनका नाम था, इस देश का नाम कहलाता था मय राष्ट्र। क्या बोलते हैं? मय राष्ट्र, समझ आ रहा है? और मय जो नाम था वो रावण के ससुर का हाँ मंदोदरी के पिता तो रावण का ससुर हो गया। रिश्तेदारी भैया आप ही बता दिया करो, मैं तो सब भूल चुका हूं। तो ये उस रावण के उस ससुर जी के मय राजा के नाम पर ये नाम था मय राष्ट्र। तो मय राष्ट्र को तो अपन प्राकृत भाषा में क्या बोलेंगे? राष्ट्र का हो जाता है, नहीं प्राकृत भाषा में राष्ट्र को बोलते हैं रठ, समझ आया? टाका तो ट्र का हो गया अट्ठ, और बीच का डंडा चला गया तो वो हो गया रठ, समझ आ गया? अब रठ को हम बोलते बोलते क्या हो गया? रठ 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 बोलेंगे, समझ आ रहा? मैं हो गया, तो मैं का तो मैं हो गया और राष्ट्र का रठ हो गया, तो मैं रठ हो गया, वो मैं राष्ट्र का, समझ आ रहा है? ऐसी भाषाएं कहीं से कहीं तक बदलती हुई चली जाती हैं, समझ आ रहा है? अगर हम सिरसा शब्द भी देखते हैं तो ये सिरसा शब्द जो होता है, एक तो सिरसा नाम का कोई वृक्ष होता है उसके नाम से भी हो सकता है, समझ आ रहा है? लेकिन आचार्य नेमीचंद्र महाराज ने जब मंगलाचरण किया द्रव्य संग्रह का तो वो कहते हैं देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। सिरसा माने सिर झुका करके हम हे भगवान आपकी वंदना करते हैं, समझ आ रहा है? क्या रहना चाहिए? सिरसा का मतलब क्या है? सिर झुका करके वंदना करने वाले लोग। अगर आपके अंदर हमेशा समर्पण का भाव रहेगा तो वो समर्पण का भाव कैसे दिखाई देगा? आपकी वंदना के भाव से, आपके सिर झुकने के भाव से। और जहां इस तरीके का भाव रहता है वहां पर अपने आप जो भगवान हमें परोस रहे हैं, भगवान की वाणी से जो निकल रहा है वो भाव हमारे अंदर अपने आप प्रवेश करने लग जाता है। समव शरण में कहते हैं कि सब लोग भगवान के सामने बिल्कुल अंजलि बनाए बैठे रहते हैं, भगवान को देखते रहते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि को, एक रूप में ही वो दिव्य ध्वनि होती है लेकिन सबके कानों में पहुंच करके वो अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित हो जाती है। सभी भाषामय होती है लेकिन जो जिस भाषा का होता है वो उसको अपनी भाषा में समझ लेता है, समझ आ रहा है? अगर स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, इंग्लिश हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप कोई डाउट में मत रहना कि भगवान को इंग्लिश नहीं आती है, भगवान की भाषा में इंग्लिश के शब्द नहीं होते हैं, समझ आ रहा है ना? हाँ, वह हर भाषा में वो परिवर्तित होने की क्षमता रखती है और जो जिस किसी भी भाषा के लोग वहां बैठे होंगे उन सबको उसी भाषा में वह दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ेगी। और ये दिव्य ध्वनि का जो अतिशय होता है, इसी अतिशय के कारण से उसे इन अतिशयों के अंदर रखा गया है, समझ आ रहा है? लेकिन आप ये मत समझ लेना कि देवकृत अतिशय में रखा है तो दिव्य ध्वनि में देवों का कोई अतिशय होता है, रखा तो है। जब देव इस अतिशय में शामिल हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनका भी नाम इसमें जुड़ जाता है, क्या समझ आए? अतिशयों में एक अतिशय आता है, देवकृत अतिशय जो यहां चल रहा है उसी अतिशय को कहा जाता है भगवान की भाषा अर्धमागधी होना। क्या बोलते हैं उसको? अर्धमागधी। तो लोग इसको भी बहुत अलग ढंग से समझ लेते हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं कि अर्धमागधी नाम की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है और वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में भगवान ने उपदेश दिया, ऐसा समझ लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मगध देश है, जो बिहार प्रांत है, वो मगध देश कहलाता है, वहां के लोगों को समझाने के लिए भगवान ने वहां की भाषा में उपदेश दिया इसलिए वो मागधी भाषा कहलाती है, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान
इतने ज्यादा किन्हीं भी लोगों के बीच में रह करके, किन्हीं भी लोगों के संपर्क में आकर के इतने ज्यादा प्रभावित कभी नहीं होते कि वे उन्हीं की भाषा में बात करने लग जाए। समझ आ रहा है? भगवान की भाषा अपनी स्वयं स्वाभाविक भाषा होती है, और भगवान की भाषा उन जीवों की भाषा के अनुसार बदलती नहीं है, वो तो हमेशा एक रूप ही रहती है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि भगवान ने मगध देश में ज्यादा रहे, वहां ज्यादा विहार किया, तो उनकी भाषा अर्धमागधी हो गई, तो फिर आदिनाथ भगवान के लिए और पारसनाथ भगवान के लिए क्या कहेंगे? और जो उधर मिथिला आदि नगरी में जन्म उधर घूमे उन भगवान के लिए क्या कहेंगे? चंपापुर के बांसपुज भगवान के लिए क्या कहेंगे? फिर उनकी भाषा का ये अतिशय अर्धमागधी अतिशय नहीं रह जाएगा। तो ये अर्धमागधी भाषा का जो अतिशय कहा जाता है, इसका भी रहस्य आप लोगों के ज्ञान में आ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? जिनवाणी जिनवाणी कहते तो रहते हो, लेकिन जिनवाणी के रहस्यों को समझे बिना कभी भी जिनवाणी को समझने का आनंद नहीं आ पाता। तो ये अर्धमागधी भाषा का रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है कि एक मागध जात के देव होते हैं। कौन से देव? मागध जाति के देव होते हैं, उन्हें मागध देव कहा जाता है। और वे मागध देव भगवान की वाणी को प्रसारित करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, जस्ट लाइक लाउड स्पीकर। समझ आ रहा है? ऐसी बात नहीं है कि भगवान की वाणी श्रोताओं तक नहीं पहुंचती, पहुंचती है, लेकिन अगर बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है तो उससे उसमें थोड़ा सा लाउड उसकी वॉइस में एक अलग प्रभाव आ जाता है। नहीं समझ आ रहा? मान लो अगर ये माइक ना लगाओ तो भी हम बोलेंगे तो हॉल के लोगों को सुनाई तो पड़ेगा, पड़ेगा ना? लेकिन जब ये माइक के साथ बोला जा रहा है तो कुछ वाणी में अलग अलग स्पष्टता कह सकते हो, या एक अलग प्रभाव इस इंस्ट्रूमेंट का आता है। समझ आ रहा है? दूर तक भी बैठे हुए लोगों को बहुत आराम से स्पष्टता के साथ जो सुनने में आता है, वह मागध जाति के देवों के द्वारा उस वाणी को इस ढंग से प्रवाहित किया जाता है कि वो लोग, वो देव श्रोताओं के पास तक भगवान की वाणी को पहुंचाने में एक सहायता करते हैं। तो आधा काम ये लोग करते हैं। कौन लोग? ये मागध जाति के देव लोग। समझ आ रहा है? इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी के किसी रूप में कुछ कार्य करता है, सहयोग देता है, तो उसका नाम भी उसके साथ में जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? भगवान की वाणी का एक अतिशय हो गया कि भगवान की वाणी कैसी है? सार्वार्ध मागधी भाषा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सार्व का मतलब होता है सबका हित करने वाली, और आधी भाषा यह मागधी मागध देवों के द्वारा दूर तक प्रवाहित की जाती है, इसलिए ये सार्वार्ध मागधी भाषा कहलाती है। हाँ, सार्वार्ध मागधी भाषा रूप भगवान की दिव्य ध्वनि होना ये इसलिए कहा जाता है। जब ऐसा होता है तब वह आधा भाषा आधी दिव्य ध्वनि वो एक मागध देवों के द्वारा प्रचारित होने के कारण से वह अर्धमागधी के रूप में, अतिशय के रूप में सामने आ जाती है। इसलिए भगवान जहां कहीं पर भी जाएंगे, जहां कहीं पर भी वाणी खिरेगी, ये देव लोग उनके साथ में रहेंगे और वह हमेशा अर्धमागधी रूप ही अतिशय कहलाएगा। ऐसा नहीं कि केवल मगध प्रांत में है तो ही अर्धमागधी है, और बाकी की कहीं और दूसरे प्रांत में चलेगा तो फिर कैसी भाषा हो जाएगी? उस भाषा का नाम बदल जाएगा। या सभी तीर्थंकर कोई मगध देश में विहार तो नहीं करते रहे, तो सब अलग अलग तीर्थंकरों के फिर अलग अलग अतिशय में ये अलग अलग वाणी जुड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इन भाषाओं के रहस्य को ध्यान में रखते हुए हमें भगवान के भावों को भी ध्यान में रखना है कि भगवान अपनी भाव भंगिमा कभी भी श्रोताओं के अनुसार बदलते नहीं है। समझ आ रहा है? श्रोता कैसे भी हों, भगवान को जो बोलना है सो बोलना है। समझ आ रहा है? श्रोता किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी भाव में बैठे हों, भगवान को जो तत्व का उपदेश देना है सो देना है। ऐसा नहीं है कि श्रोता अपना भाव रखेगा कि भगवान हमें आज यही सुनना है,
क्या समझ आ रहा है? ऐसा आप लोग सुनते हो ना कि प्रश्न किया जाता है कि आज हमें भगवान इनका चरित्र सुनना है, आज हमें राजा श्रेणी के पूर्वभवों के बारे में सुनना है, तो केवल भगवान राजा श्रेणी के पूर्वभव सुनाते बैठ जाएं? भगवान तो अपना पूरा उपदेश देंगे, जो उनकी दिव्य ध्वनि जिस तरीके से खिरती उसी तरीके से होगी, उसमें तुम्हें जो कुछ ग्रहण करना है वो तुम ग्रहण कर लो। समझ आ रहा है? ये दिव्य ध्वनि के बारे में हमारे अंदर बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए इन सब तथ्यों की, तब जाकर के आपके मन में भाव आएगा कि भगवान की वाणी में इतना अतिशय क्यों है, क्योंकि उनके ज्ञान के अतिशय के कारण से उनकी वाणी में अतिशय आता है। जब उनके अंदर सब तरीके का ज्ञान होता है तो वह सब तरीके की भाषा में सब तरीके से उस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, तभी वहां पर बैठे हुए जीव संतुष्ट होते हैं और वे सब जीव अपनी अपनी भाषा में उस वाणी को समझ करके आनंदित होते हैं। तो भगवान की वाणी एक भाषा रूप नहीं होती है, सभी भाषा रूप होती है और सबके भावों के अनुसार वह भाषा अपने आप उनके ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। ये भगवान की वाणी का अतिशय है। आप ये समझें कि अगर आप कोई भी भाव लेकर के बैठते हैं तो वह भाव आपका अपने आप पूरा होता हुआ दिखाई देगा, अगर आप मन से बैठे हो तो। समझ आ रहा है? आपके दिमाग में अनेक तरीके के प्रश्न होते हैं और बोलने वाले को पता नहीं होता कि आप क्या प्रश्न लेकर के बैठे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रश्न थे तो उनका समाधान अपने आप आपको होता हुआ दिखाई देता है, अगर आप मन से बैठे हैं तो। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आज हम सोच करके आए थे, महाराज से पूछेंगे, आज हम सोच करके आए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आज ही हमको इसका समाधान मिल गया, जैसे कि महाराज ने हमारे लिए ही पूरा प्रवचन कर दिया हो। समझ आ रहा है? तो प्रवचन तो अपने अनुसार ही होता है, लेकिन उसमें कुछ भाव ऐसे जुड़े रहते हैं, वो भाव बहुत बड़ी चीज होती है। आप समझो कि भगवान की दिव्य ध्वनि अब खिरना शुरू हुई कब? जब उन्होंने मुनि दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक मौन रखा। 12 साल तक, भगवान महावीर स्वामी के विषय में बात कर रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक बिल्कुल अखंड मौन। समझ आ रहा है? अब उनके अंदर ये वाणी जब प्रवाहित हुई तो आप समझे कि ये मौन भी प्रारंभ हुआ, तो इस मौन से पहले भी कुछ उनके अंदर कुछ बीजत्व रूप में भाव पड़े हैं और वो पिछले जन्म से भी पिछले जन्म के भाव पड़े हैं कि इन भव्य जीवों का कल्याण करना है, हमें ऐसी शक्ति मिले कि हम इन भव्य जीवों को इस संसार सागर से पार लगा पाए, हमें ऐसी शक्ति मिले कि इन भव्य जीवों को हम इस संसार के दुखों से मुक्त करा पाए, ऐसी भगवान ने एक भव पहले, माने एक भव पहले माने देव भव से पहले जो मनुष्य भव था उसमें जब भावना की थी, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, तब का वह भाव उस आत्मा में पड़ा होता है और वो जो करुणा, वो जो उनके अंदर सब जीवों के उद्धार का भाव, वो जो उनके अंदर प्रेम और मैत्री का भाव जो उनके अंदर उस समय का बीज के रूप में पड़ा होता है, वो अब इतने समय के बाद में वो फलीभूत होता है और तब इस दिव्य उपदेश में इतनी दिव्यता आ जाती है कि असंख्याते जीव भगवान के समोसरण में बैठ करके उठने की इच्छा नहीं करते और यही सोचते रहते हैं कि भगवान की वाणी निरंतर होती ही रहे, टाइम नहीं देखते हैं। क्या समझ आ रहा है? इतने निश्चिंत हो जाते हैं। ये किसकी करुणा का प्रभाव है? ये भगवान के भावों में जो करुणा भाव उन्होंने अपने अंदर भर रखा था कि मैं इन जीवों के उपदेश से इनका उपकार करूंगा, उसका परिणाम। आपको पता है जब ये दिव्य ध्वनि होती है, 6 घड़ी कितना हो गया? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। समझ आ रहा है? हाँ, तो 6 घड़ी में कितने मिनट हो गए? मतलब 2 घंटे 24 मिनट। समझ आ रहा है?
इतना भगवान की वाणी एक बार घिरती है। हाँ, एक जगह तो लिखा है, जय धवला शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान की वाणी दिन में तीन बार घिरती है, सुबह, दोपहर, शाम, समझ आ रहा है। और एक जगह गोमट्टसार जीवकांड की टीका में लिखा हुआ है कि भगवान की वाणी दिन में भी तीन बार घिरती है और रात में भी अर्धरात्रि के समय घिरती है, चार बार घिरती है, समझ आ रहा है। ऐसे दो प्रकार के रेफरेंस मिलते हैं, माने भगवान की वाणी रात में भी चार बार खिलती है, तो ढाई ढाई घंटे तक एक एक बार लोग बैठ करके कम से कम सुनते हैं, इतनी वाणी खिलती है, समझ आ रहा है। दो घंटे 24 मिनट सुन रहे हो आप लोग, कम से कम इतना ही कर लो कि कम से कम 24 मिनट के लिए ही हम अपने जीवन में कोई ऐसा भाव लाएं कि हम भगवान की वाणी से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। 24 मिनट का मतलब एक घड़ी, सुन रहे हो, एक घड़ी के लिए भी यदि ये भाव आ जाए तो भी आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। दीपावली, दशहरा, सब कुछ हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे, दीदी जी कह रही थी हैं, आपके यहाँ रोजाना दिवाली होती है, रोजाना रक्षाबंधन होता है, रोजाना पर्व मनाए जाते हैं, और इन पर्वों का उद्देश्य क्या होता है? इन पर्वों का उद्देश्य होता है केवल घर का कचरा साफ नहीं करना, थोड़ी मन की भी झाड़ू लगाना, मन की भी सफाई करना, समझ आ रहा है। एक बहुत पुरानी बात, जब सामने भव्य जीव होते हैं तो शायद रिफ्लेक्शन से कुछ बात भी, कुछ भजन, कुछ लाइन जो पहले, बहुत पहले, समझ आ रहा है, हाँ, जहाँ के लोग बैठे हैं उसी स्थान पर कभी याद में रही, उसमें ऐसा ही भाव है। और वो भाव क्या है? बैठ अकेला दो घड़ी तू भगवत के गुण गाया कर, सुन रहे हो, बैठ अकेला दो घड़ी तू भगवत के गुण गाया कर, मन मंदिर में ऐ जिया तू झाड़ू रोज लगाया कर। क्या समझ आ रहा है? बहुत पुरानी लाइनें याद है, जहाँ के लोग बैठे तभी से याद, कहीं से सुनी होगी, समझ आ रहा है। मन मंदिर में ऐ जिया तू झाड़ू रोज लगाया कर, तो ये बात मार्के की है कि हमें रोजाना अपने मन मंदिर में झाड़ू लगानी चाहिए। क्या समझ आ रहा है? सोने में तूने रैन बिताई दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने आप रहा, छोड़ कुसंगति को तू हरदम सत्संगति में आया कर, मन मंदिर में ऐ जिया तू झाड़ू रोज। याद तो आ जाता है, जब लोगों के काम की बात होती है तो लोगों के ही पुण्य से अपने आप निकल जाती है, समझ आ रहा है। अभी आप पढ़ रहे थे ना, भगवान की दिव्य ध्वनि से जुड़ी हुई एक बात और आप सुनते रहते हो हमेशा पूजा में, वो भी पढ़ते रहते हो, भवि भागन बस जोगे बसाए है, तुम ध्वनि सुनी हुए विभ्रम नशा। तो भव्य जीवों के भाग्य से भगवान की ध्वनि निकलती है, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात और ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम ध्वनि सुन है विभ्रम नशाए। क्या समझ आ रहा है? भ्रम दूर होने चाहिए। वाणी सुनने का प्रयोजन क्या होता है? हमारे भ्रम दूर हों, हमारे दिमाग में जो भ्रांतियां पड़ी हुई हैं वो भ्रांतियां दूर हों, हम थोड़ा सा अपने ज्ञान में और क्लियरिटी लाएं। और जिस तरीके की भ्रांतियां हमारे अंदर पड़ी रहती हैं उसी के कारण से हमारे अंदर कभी भी ये मन में निर्मलता नहीं आती, जिसके कारण से
हमारे हृदय में कभी भी ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो पाते जो हमारी भावनाओं को और परिष्कृत करते चले जाएं और निर्मल बनाते चले जाएं। और उसका एक सबसे बड़ा जो एक आपके लिए कमी है वो ये है कि आप कभी भी अपने मन में झाड़ू नहीं लगाते हो। समझ आ रहा है? तो ये मन में झाड़ू लगाने का काम शुरू करो। कैसे होगा ये? कम से कम एक घड़ी तो निकालो। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट्स। कम से कम एक घड़ी तो शांति से बैठो और शांति से बैठ करके क्या सुनो, क्या देखो, क्या महसूस करो। एक भाव ऐसा आना चाहिए कि हम 24 मिनट के लिए जब हम भगवान की दिव्य ध्वनि हो रही है या हम ऐसा दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं तो हम केवल मौन पूर्वक उस दिव्य ध्वनि का आनंद ले रहे हैं। समझ आ रहा है? देखो, अगर भगवान बोल रहे हैं और श्रोता अगर बीच में बोलेंगे तो भगवान की वाणी का आनंद नहीं आएगा। तो श्रोता उस समय पर क्या होते हैं? बिल्कुल मौन होते हैं। आप 2 घंटे 24 मिनट तक मौन नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अपने लिए एक भाव बनाओ कि मैं बिल्कुल 24 मिनट मौन से निकालूंगा। समझ आ रहा है? अगर आप मानसिक शांति चाहते हो तो एक अभ्यास करना सीखो, है ना। चाहे भले ही दुकानदार हो, कितनी दुकान चलती हो, चाहे किताबों की दुकान हो, चाहे लकड़ी की दुकान हो, किसी की दुकान हो, समझ में आ रहा है? तो वह किसी भी प्रकार से दिन भर में 24 मिनट का समय निकालो जब हम बिल्कुल शांति से बैठे हो। समझ आ रहा है? वो समय निकल सकता है, वो समय आपको निकालना है। चाहे किराने की दुकान वाले हो, चाहे हलवाई की दुकान वाले हो, समझ आ रहा है, चाहे किताब की दुकान वाले हो, क्या हम अपने जीवन में 24 घंटे के दिन रात में सोने के अलावा, सोने में अकाउंट मत कर लेना, वो होशियार लोग होते हैं, सोने के अलावा जागते हुए क्या हम अपने 18 घंटे, अगर मान लो जागते हैं, कम से कम 18 घंटे जागते हो, 6 घंटे ज्यादा कौन सोता है, आदमी को नींद ही कहाँ आती है, इतना काम काज रहता है, है? अगर आप 18 घंटे जागते हो, 16 घंटे भी जागते हो, तो कम से कम 16 घंटे में केवल 24 मिनट्स की बात है। समझ आ रहा है ना? इसका अगर हम कोई रेशियो निकालें तो कहीं से कहीं तक नहीं बैठता है? केवल 24 मिनट्स फॉर आवर सेल्फ। क्या समझ में आ रहा है? मतलब 24 मिनट केवल अपने लिए, उसमें किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, गिनती से आप अलार्म अपनी मोबाइल में लगा करके रख लो, बस 24 मिनट में क्या करूंगा, सिर्फ शांत बैठूंगा, शांत बैठूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, लमोकार नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ूंगा, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ शांत बैठना है, सिर्फ शांत। समझ आ रहा है? ये मुश्किल है। तो फिर नमोकार में तो आप कितने टाइम निकाल दोगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। समझ आ रहा है? आप बस वो करते रहोगे, नमोरंता नमो सिद्धाणम। मन की सफाई थोड़ी देर जब हम शांत मन से अपने आप को देखेंगे तब होगी। समझ आ रहा है? और जब हमारे मन में इस तरीके का भाव आएगा कि हम पहले शांत हो जाएं, तब जाकर के कोई रमोकार मंत्र आदि का प्रभाव, कोई जाप आदि का कार्य, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और उसके लिए आपको एक अभ्यास यदि ये होने में आ जाए कि हम 24 मिनट के लिए केवल इस प्रकार से शांत बैठे हैं कि मानो भगवान की वाणी चल रही है, समौ शरण में हम बैठे हैं, भगवान की वाणी चारों ओर गूंज रही है, हम उसे केवल सुनने के लिए अपने कान लगाए बैठे हैं। समझ आ रहा? हमें और किसी की कुछ नहीं सुनना, कोई आवाज नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुनना, यहां तक कि मुझे अपने मन की भी बात नहीं सुनना, कोई मन में विचार आ रहा हो तो उसको भी नहीं सुनना। हम केवल शांति से बैठेंगे ये देखते हुए कि भगवान के समौ शरण में हम बैठे हैं, बीचों बीच में भगवान विराजमान हैं, गंधकुटी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान हैं, हम बस भगवान के सामने बैठे हैं और शांति से हम केवल सुन रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हमें क्या सुनने में आ रहा है, लेकिन हमें लग रहा है हमें सुनने में आ रहा है। क्या सुन रहे हो? एक बहुत बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं। समझ आ रहा है? मन को शांत करने के लिए, मन को परमात्मा से, प्रभु से, भगवान से, अंतरंग से जोड़ने के लिए और मन को
एक इस तरह की ऊर्जा से भरने के लिए कि मुझे कोई दिव्य बात हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हमारे हृदय में कोई दिव्य वाणी आ रही है, इस तरह की फीलिंग लाओ पहले। क्या समझ आ रहा है? जब आप इस भाव में बैठोगे तो आपके अंदर इस तरह के अच्छे अच्छे विचार अपने आप आएंगे कि वो आपके जीवन की उन्नति में सहायक बनेंगे। क्या समझ आ रहा है? अक्सर होता क्या है, आप जो बाहर देख लेते हो उन्हीं विचारों में उलझे रहते हो, और उन विचारों में उलझने से कभी भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता और हम किसी भी लाइन में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आपको पता नहीं होता कि हमारा अंतर्मन क्या कह रहा है, हम अपने अंतर्मन की भी कभी आवाज सुनने के लिए अपने को समय नहीं देते। क्या समझ आ रहा है? दूसरे की ही आवाज सुनते रहते हैं। अपनी भावना, अपना ज्ञान, अपने अंदर भी एक इंट्यूशन होता है, उस इंट्यूशन के लिए ये प्रोसेस होता है कि आखिर हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हमें किससे कैसे भाव करना चाहिए, हमें किसके बारे में क्या सोचना चाहिए। इसके लिए आपको अपने आप ज्ञान मिलता चला जाएगा अगर आप केवल 24 मिनट के लिए खाली हो जाए तो। सुन रहे हो? और इस इंट्यूशन के बिना आप उस दिशा में कभी नहीं बढ़ पाओगे जिस दिशा में चल करके आपके लिए सफलता मिलनी है और जिसके लिए आपका यह जीवन बना है। एक विचार यह भी करने योग्य होता है कि दिव्य ध्वनि को देवकृत अतिशयों में क्यों रखा गया, जबकि दिव्य ध्वनि तो भगवान के द्वारा स्वयं अपने ही पुरुषार्थ या अपने ही पुण्य प्रकृति के द्वारा किया जाने वाला एक सत्कार्य है। तो आपको यह कल बताया था कि यह देवकृत अतिशय में इसीलिए आया क्योंकि माघध जाति के देव इस दिव्य ध्वनि को प्रसारित करने का काम करते हैं, इसलिए यह सारवार्ध माघधी भाषा के रूप में अतिशय ख्यात है। जब आपको अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन सुनाया था तब भी दिव्य ध्वनि का वर्णन आया था। वहाँ जो दिव्य ध्वनि का वर्णन है वह भगवान का अपना दिव्य ध्वनि के रूप में किया जाने वाला, दिव्य उपदेश के रूप में किया जाने वाला कार्य है। तो दिव्य ध्वनि को दो रूपों में भगवान के अतिशयों में जोड़ा गया है, एक तो देवकृत अतिशय के रूप में और एक अष्ट प्रातिहार्य में। इन दोनों के अंतर को समझना कि देवकृत अतिशय में इसलिए है कि वह माघध जाति के देवों के द्वारा आधी दिव्य ध्वनि को प्रसारित दूर दूर तक किया जाता है, सभी श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। कुछ बात इसलिए भी समझ में आती है कि जैसे भगवान का समवसरण बहुत बड़े बड़े समवसरण होते हैं, आदिनाथ भगवान का समवसरण 12 योजन का समवसरण है। आचार्यों ने लिखा है सभी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि एक योजन से ज़्यादा अधिक नहीं होती है, मतलब एक योजन तक ही वह दिव्य ध्वनि प्रसारित हो सकती है, दिव्य ध्वनि एक योजन तक ही पहुँचती है। ध्वनिरपि योजन मेकम प्रजायते श्रोत्र हृदय हारि गंभीर ससलिल जलधर पटल ध्वनितमेव प्रवितांतराशा वलयम। ऐसा नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा। तो ध्वनि एक योजन तक ही जाती है सभी तीर्थंकरों की। तो जब आदिनाथ भगवान का समोसरण होगा तो 12 योजन का समोसरण होगा तो उसमें जो सभा होगी वो भी एक योजन से ज़्यादा संभव है। तो उस सभा में दिव्य ध्वनि को दूर तक प्रसारित करने के लिए ये माघध जाति के देव उसमें लगते हैं। अगर हम यूं कहें कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण एक ही योजन का है तो उसमें कोई प्रसारित करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी जब कोई बीच में सहयोगी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके माध्यम से ध्वनि में और स्पष्टपना आ जाता है और एक आवाज़ जो होती है या ध्वनि जो होती है वो और ज़्यादा अच्छी है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेलोडी आ जाती है उसमें थोड़ी सी किन्हीं दूसरों की सहायता से।
ये जो है एक कार्य है जो देवों के द्वारा किया जाता है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी का समवसरण भले ही एक योजन का हो, उनकी एक योजन तक ध्वनि पहुंच जाती हो, तो भी इन देवों के द्वारा उस ध्वनि को सब श्रोताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसलिए ये अर्धमागधी भाषा भगवान की अतिशय के रूप में मानी जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।